आप देख रहे हैं दखल न्यूज। भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर का बड़बोलापन बीजेपी को कई बार भारी पड़ चुका है और इसके बावजूद प्रज्ञा ठाकुर अपनी से बाज नहीं आ रही हैं। प्रज्ञा ठाकुर के बयान के बाद आलाकमान उनसे बेहद नाराज बताए जा रहे हैं। इस वजह से उनके संसदीय दल की बैठक में आने पर भी प्रतिबंध लगाए जाने की जानकारी सामने आई है। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हमने तय किया है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर को रक्षा मंत्रालय की कमेटी से हटा दिया जाएगा और इस सेशन में वे संसदीय दल की बैठकों में भी शामिल नहीं हो सकेंगी। इसके पूर्व नड्डा ने कहा कि भाजपा बुधवार को साध्वी प्रज्ञा ठाकुर द्वारा दिए गए बयान का किसी भी तरह से समर्थन नहीं करती है। उनका बयान निंदनीय है। भाजपा इस तरह के बयानों और विचारधारा का समर्थन नहीं करती है। साध्वी प्रज्ञा द्वारा बुधवार को लोकसभा में नाथूराम गोडसे को लेकर दिए गए विवादित बयान पर राजनीति गहरा गई है। भाजपा आलाकमान ने जहां साध्वी के बयान पर नाराजगी जताते हुए पल्ला झाड़ा है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी साध्वी के खिलाफ ट्वीट किया है। राहुल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आतंकी प्रज्ञा आतंकी गोडसे को राष्ट्रभक्त बता रही हैं। भारत की संसद के इतिहास का यह एक दुखद दिन। लोकसभा में एसपीजी संशोधन बिल के समय डीएमके के सांसद ए राजा अपनी बात रख रहे थे। इसी दौरान उन्होंने नाथूराम गोडसे के एक बयान का जिक्र भी किया जिसमें गोडसे ने कहा था कि उन्होंने गांधी की हत्या क्यों की। इसी बीच भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने इस बात पर हस्तक्षेप किया और गोडसे को देशभक्त करार दिया। इसके बाद लोकसभा में इस बात पर बवाल मच गया। हालांकि बाद में उनके इस बयान को सदन कार्यवाही से हटा दिया गया, लेकिन उनके इस बयान ने फिर से विवाद को जन्म दे दिया है। पब्लिक सर्वेंट पूर्व सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के पत्रों पर कमलनाथ सरकार ध्यान नहीं दे रही है। ग्वालियर के ऐतिहासिक मेले से खरीदे जाने वाले वाहनों पर पंजीयन शुल्क और रोड टैक्स में 50% छूट दिए जाने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को पत्र लिखा था, लेकिन अब तक सरकार ने उस पर कोई विचार नहीं किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के अनुरोध पर भी कैबिनेट में छूट का यह प्रस्ताव नहीं आया, जबकि सिंधिया खेमे के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा था कि मुख्यमंत्री कमलनाथ के आते ही 21 नवंबर की कैबिनेट में वे प्रस्ताव रखेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि सिंधिया समर्थक मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने फिर क्यों यह प्रस्ताव कैबिनेट में नहीं रखा। ग्वालियर का मेला स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के नाम पर है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद बाला बच्चन जी आपने कहा था कि पुलिस की कार्यप्रणाली को बदलेंगे। आपने इसके लिए प्रयास किए और पुलिस की कार्य प्रणाली बदल गई। अब आप जो दृश्य देख रहे हैं ये भोपाल के रेलवे स्टेशन इलाके का है। इसे देखकर लगता है कांग्रेस राज में पुलिस ने हर काम की कीमत तय कर ली है। मोटरसाइकिल पर आया शख्स एक पुलिस वाला है, ये रिश्वत लेने के लिए आया है। रिश्वत देने वाली महिला ने इस घूसखोर का स्टिंग कर दिया। यह पुलिस वाला कह रहा है कि टीआई के लिए उसे रिश्वत लेना पड़ती है और समय पर रिश्वत नहीं दी, इसीलिए रिश्वत पर ब्याज भी देना पड़ेगा। बड़ा व्यवसायी है ये घूसखोर पुलिस वाला। इसकी बात सुने तो पता चलता है कि ये ब्याज पर पैसा भी चलाता है। जाहिर है पैसा टीआई के जरिए ऊपर तक अधिकारियों को जाता होगा। क्या करें, रोज रोज बुला लेते। कितने दे दूँ सर? कितने दे दूँ? 12। देखा ना, 12 दिन का ब्याज नहीं होगा। हाँ सर, नहीं आ रही होगी। 12 ब्याज भी लगेगा? कब का बोला था? 1-2 दिन का। कितने दिन हो गया सर? मत तो करो अब, है ना। 9 ले लो। 9 बनिए की दुकान खोला हूँ क्या? हाथ से करते यार। अरे यार तुम शिकायत तो उधर मुंडी कर लेती जब पैसे की बारी आती। मैं कहता हूँ पैसे के लिए मैं सिर्फ तुम्हें जानता हूँ। अच्छा, पैसे के लिए तो वहाँ सबके सामने बात हुई थी। 50 में आपने बोला था। हाँ। पहले तो आपने 40 में बोला था, फिर 50 में बोला कि जब वो टीआई नहीं मान रहा था। हाँ। आपने यही बोला ना कि टीआई नहीं मान रहा, वो तो एक का कर रहा है।
तो सर मैं ये एक इसलिए बोले, एक रुपया नहीं, छोटे बच्चे लेके आने, कम से कम कुछ तो रहम कर लो। आप मुझसे ये कल जेल चले जाए ना, मुझसे ब्याज पे पैसा ले लेना, ठीक है ना? कल ये जेल चले जाए मुझसे ब्याज पे ले लेना, मगर उनकी रकम में से पैसा मत मांगो, मैं अपनी जेब से दे दूंगा। आप मेरा तिहाई ले रहा, कुछ तिहाई ले रहा, ऐसा कोई पैसा नहीं है तो बिना तिहाई के हम ले लें। अभी वो 50,000 और पेंडिंग है मम्मी के, वो कब आ रहा है? मम्मी वाले सर मैं क्या जानूं, मैंने ये 20% ब्याज पे लेके आए, ये मैं ही जान रही हूँ सर। अब आप तुम आई जाएगा, मैंने बोला था शिका को दे दो, मैं इसलिए आई कि शायद आपसे बोलूँ, शायद मान जाओ। तो मानने का सब मुझे 1,000 मिला के देना पड़ेगा, मिला देना सर अपने पास से, एक दे दो। अभी केस में मिला जुला कुछ नहीं, वो पैसे बहुत लग गए। अब ये बताइए वहाँ से कड़ा उठाया, वहाँ से आपने नाम हटवाया इनका, नहीं रसीद तो दी नहीं, रसीद तो डायरी में लगी हमारी, तो डायरी में लगी तो वहाँ पे अगर देते तो रसीद से हटते इनके मोबाइल, वहाँ से तो लोन हटना चाहिए ना, हट गया ना वहाँ का, इनके में मैसेज ही नहीं आया, मोबाइल में मैसेज आ जाता है। अभी इसकी गारंटी अब नहीं होना चाहिए मेरे आदमी को कुछ, ये आप सोच लो आपकी जिम्मेदारी, खुद का वो मुजरिम बना है वो, उससे उससे जब्ती हुआ, वो कोर्ट में खड़ा होगा। तो आप क्या मतलब मेरे आदमी से, अब तो कोई मतलब नहीं ना, मालूम क्या मतलब तुम्हारे आदमी, वो चीज़ उसने भाई अगर तुम्हारे ही आदमी से बहन की वो मांगती है क्या पैसे काहे के कड़े के, तो आप क्या मांगोगे उसके बदले बैंक से? कड़ा मांगोगे, बैंक कड़ा देगी क्या? काम खत्म हो जाती, हाँ इसलिए मैं डर हूँ कि अब कुछ नहीं होना चाहिए भाई, मैंने जैसा पैसे किया ये मैं जानती हूँ, मेरा दिल जानता है। अब वो जॉब वॉब कर ढूंढे कहीं जा सकते हैं ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना, एक फोन लगाऊंगा बस। अब गाड़ी नहीं उठाना है, गाड़ी लेना, गाड़ी को लेना, तो गाड़ी के लिए उनका क्या मैटर है? अब गाड़ी का, गाड़ी मेरे नाम पे सर, गाड़ी से बात ही नहीं करूंगा, गाड़ी नहीं उनसे क्यों बात करेंगे, गाड़ी मेरे नाम पे मैंने फाइनेंस कराई, वो क्या मतलब होगा उनका? तभी तो कह रहा हूँ कि फोन लगाऊंगा एक और, तो तुम गरी मत लगाना, तो मैं नहीं लगाऊंगा। नहीं मुझे लगा आप शिखा दीदी को बोलेंगे, मैं इनसे बात करूँगा, मैं गाड़ी आपके नाम पे जब बुलाऊंगा तो आपको ही बुलाऊंगा ना रजिस्ट्रेशन में। लेकिन आप दत्ता हाथ जोड़ रहे हैं सर, पैसे के लिए मत बोलना, पैसे नहीं बोलूंगा गाड़ी का, वो गाड़ी के पैसे, गाड़ी के कागज मंगवा लेना मैं ले आऊंगी, रजिस्ट्रेशन नंबर जो अभी मिला है गाड़ी का, अभी पूरे अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं है, पूरे कागज भी नहीं आएंगे गाड़ी का, अभी जब तक मम्मी के पैसा ना है तब तक नहीं बोलना है, वो रखी नहीं उसके बदले नहीं रखी है मैंने, मगर बोलना मत। अब सर अब ये आप गलत बात कर रहे हो, आपने बोला था ये कर दो आप गाड़ी ले जाना, हम अचार डालेंगे क्या गाड़ी का? तो अभी मत बोलना, 10 दिन मेरे पास चाबी, वो साहब लोगों को नहीं पता है, हाँ गाड़ी मेरे पास है, मैं उसकी गारंटी नहीं रख रहा हूँ कि जब 50 देंगे जब गाड़ी दूंगा, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, गाड़ी आपकी अलग रखी है, गाड़ी आप तब चाहे ले जाना, मगर 10 दिन और रुक जाओ उसमें देंगे, और 10 के काम मैं पहले ही लगा दूँगा, ठीक है ना? अकेले उनको लगाऊंगा या तो मैं लगाऊंगा गाड़ी के लिए, आना चुपचाप चाबी देना, गाड़ी निकाल के ले जाना, बात करता पैसे नहीं दूंगे, काम मांगेंगे भी तो नहीं देंगे, ठीक है? हमारा काम रुका है सर, एक गाड़ी है ये, लेकिन भैया अगर चले आते हम अटक जाते हैं, बात ये है ना कि हम कुछ काम धंधा नहीं, अब हम भी जॉब करने का सोच रहे हैं कि हम ढूंढ लें कुछ करें, ये पोजीशन आ गई, 4 लोन है, किस्तें आ रही, कहाँ से भरेंगे? जो ले लिए थे लोन, लोन गाड़ी ली थी तब लोन लेके उठाया था, अकेले आ जाते यार, मैं तो जाने की भी सोचता उधर कर, आने की भी इच्छा नहीं हो रही, मैंने बोला था मैंने कहा पैसे अपने पास रख लो मुझे दे देना आराम से, जब कल आती तो पापा से भी मिल ले, अब कल कोर्ट वैसे ही आओ, कल पापा को पेश करें कोर्ट वैसे ही आना, ठीक है जाए भाई जाए, चल माने नहीं ना सर, आप माने नहीं, 500 रुपया तो दे दो निकल लिए, चलो भाई बैठो, बहुत बेकार हो सर आप। इस मसले पर पुलिस के अधिकारियों को सांप सूंघ गया, बताते हैं जीआरपी पुलिस ने चलती ट्रेनों में जहर खुरानी के मामले में रघुराज नाम के बदमाश को गिरफ्तार किया था,
उस मामले में आरोपी रघुराज की पत्नी से टीआई के नाम पर रिश्वत लेते आरक्षक विक्रम सिंह हैं। इनके टीआई मतलब थाना प्रभारी दुष्यंत जोशी हैं। गृह मंत्री बाला बच्चन जी, आपके बड़े अधिकारी एक आदेश निकालकर रिश्वतखोर आरक्षक विक्रम को कुछ समय के लिए निलंबित कर देंगे और फिर ये बहाल होकर अपने अधिकारियों के लिए घूसखोरी में लग जाएगा। बाला बच्चन जी, आप क्षमतावान हैं, इस मामले की ढंग से जांच करवाइए और इस रिश्वतखोरी की पूरी चैन का खुलासा करिए, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि एक आरक्षक सिर्फ अपने लिए सड़कों पर इस तरह घूसखोरी का धंधा नहीं कर सकता। कमलनाथ जी, ये कोई डांस टीचर नहीं है, आपसे इनका परिचय करवा देते हैं। ये है दमोह के शहरी इलाके से लगी आंगनबाड़ी केंद्र की सहायिका परिमला श्रीवास्तव, जिसे आपके फेल होते सरकारी सिस्टम ने नाचने पर मजबूर कर दिया है। इसे देखकर लगता है जैसे सरकारी सिस्टम ने इसे इतना नचा डाला हो कि इसे अपनी हर बात नाच नाच के कहने की आदत हो गई हो। आंगनबाड़ी सहायिका का यह वीडियो कुपोषण के खिलाफ जंग की जमीनी सच्चाई से रूबरू करवा रहा है। क्यों इस कदर नाच नाच कर गुस्से में खुद कह रही है, मुख्यमंत्री, कलेक्टर और जिसे दिखाना हो वीडियो दिखाओ, वायरल करो, लेकिन सरकार से सिस्टम सही करवाओ। बात भी सही है, जब केंद्रों में बच्चे ही नहीं होंगे तो भला कुपोषण कैसे दूर होगा। दमोह ही नहीं, पूरे सूबे में यही स्थिति है। ऐसे में अंडे का फंडा क्या कारगर होगा। नाच नाच कर अजीबो गरीब हरकतें करने वाली ये महिला आंगनबाड़ी केंद्र की सहायिका परिमला श्रीवास्तव सच्चाई सबके सामने रख रही हैं। वो खुद कह रही है कि बच्चे हैं नहीं, पतली सब्जी और रोटी से कुपोषण दूर किया जाएगा। लाचार बेबस सिस्टम और सरकार को संभल जाना चाहिए। कैमरे चल रहे थे लेकिन आग बबूला परिमला श्रीवास्तव अजीबो गरीब हरकतें कर रही थी, या यूं कहें कि एक एक कर जमीनी सच्चाई बयान कर रही थी। उसे इस बात की भी कोई चिंता नहीं कि कैमरे चल रहे हैं, अधिकारी जांच के लिए आई हैं। वे कहती हैं, तुम पर कार्यवाही होगी, तुम इमरती देवी की खास हो, तुम्हें क्या लगता है कुछ नहीं होगा। तो ये सहायिका और गुस्से में आ गई, कहने लगी, मैं किसी की खास नहीं हूं और जो करना है कर लो, मगर सरकारी सिस्टम सुधारो। बच्चा 1:30 बजे स्कूल से आ रहा है तो क्या आंगनबाड़ी में बच्चा मिलेगा? अधिकारी सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा है, आके बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है, कूद रहो मेढक जैसे, हम खबर को जान निकाले दी ना, बच्चा 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 कहाँ से लाए बच्चा। अरे सरकार नियम नहीं बदलती है, सरकार नियम बदले ना, आंगनबाड़ी में कैसे नहीं चलती है। और जो मोबाइल नहीं, हमको गुस्सा इसलिए लगाती है सर, ये हमारा विवाद एक सुपरवाइजर से हो चुका है यहाँ पे, बच्चा 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 के कारण आज फिर से भी विवाद हो गया। जो अधिकारी आता है, अधिकारी को भी नियम पता है कि बच्चे इनके घर के खुद नाती पोता स्कूल जा रहे होंगे, इनसे पूछो नहीं करो ना, जान देने करो उधर, तुम्हारा लड़का आंगनबाड़ी में नया है, तुम पहले जहाँ इतनी रकम भर हो उतने भेजो बच्चा के लाने स्कूल में, भेजो इतने आंगनबाड़ी के आके और पानी वाली सब्जी और एक रोटी खा ले, कुपोषण दूर हो गया है। पानी वाली सब्जी और एक रोटी में कुपोषण दूर हो रहा है कि तुम उधर भर हो नहीं, तो बुलाने लगी कि संजय जी आप हैं कौन, संजय जी यहाँ आके वीडियो बना, अरे हमारे तो खूब वीडियो बनाओ, मुख्यमंत्री तक हमारी आवाज पहुँचाओ। आपको बता दें कि आंगनबाड़ी सहायिका क्यों नाच रही हैं, या यूं कहें कि गुस्सा नाच कर क्यों उतार रही हैं। दरअसल इस महिला कार्यकर्ता का गुस्सा ऐसे ही नहीं फूटा, बल्कि आए दिन होने वाले अफसरों और नेताओं के दौरे और जांच पड़ताल के बाद इसका पारा आसमान पर चढ़ गया। बीते दिनों इलाके की जनपद उपाध्यक्ष मनीषा तिवारी इस आंगनबाड़ी केंद्र में निरीक्षण के लिए पहुंची, केंद्र पर एक भी बच्चा नहीं था, तो जनपद उपाध्यक्ष का सवाल जवाब करना लाजमी था। बस फिर क्या था, आंगनबाड़ी सहायिका का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। अधिकारी भी क्या करें, वही आंगनबाड़ी केंद्र है जहां सूबे के कुपोषित बच्चों को स्वस्थ करने की जद्दोजहद चल रही है, जहां बच्चों को अंडा देने पर सियासत गर्म है। फिलहाल आंगनबाड़ी सहायिका की इस हरकत को बदसलूकी मानकर और सिस्टम को कटघरे में खड़ा करने पर उसकी शिकायत कलेक्टर से की गई है। मैं लगभग
12:45 पर वहाँ पहुँची तो कार्यकर्ता बैठी हुई थी कुर्सी पर। जब मैंने उनको बताया कि मैं जनपद उपाध्यक्ष हैं, तो बोली मैं क्या करूँ। मैंने कहा कि आपके यहाँ बच्चे नहीं दिख रहे, तो बोले मैं कहाँ से ले आऊँगी बच्चे, बच्चे स्कूल जाते हैं। और तो हमने कहा कि क्या बच्चे दोनों जगह दर्ज हैं, अगर आंगनबाड़ी में तो वो स्कूल कैसे जाते हैं। तो बोले ये शासन प्रशासन की व्यवस्थाएं खराब हैं और मुख्यमंत्री जी से कहना चाहिए। और गाली गलौज देकर वो बातचीत करने लगी और उसने ये कहने लगी कि मेरी तो यहाँ जो अधिकारी आता है मैं उससे भी लड़ लेती हूँ, कार्यक्रम अधिकारी से भी मेरा पंगा है, सुपरवाइजर मैडम आई थी मैंने उनको भी अच्छा फटकारा है, और मुझे अध्यक्ष बनाओ मैं अपनी बात रखूंगी, आंगनबाड़ी केंद्र बंद हो जाना चाहिए। और गाली गलौज देकर बात करने लगी, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरी नौकरी ही जाएगी और क्या होगा, मैं नौकरी से नहीं डरती, मैं किसी भी चीज़ से नहीं डरती हूँ। और बहुत गंदी गंदी गाली दी। आसपास के लोगों ने उसको समझाने का प्रयास किया कि तुम व्यवहार कैसा कर रही हो, लेकिन वो रेगुलर अपने व्यवहार को अभद्रता करती रही, नाचने वाचने लगी और बदतमीजी देने लगी और कहने लगी कि कोई कुछ नहीं बिगाड़ लेगा, मैं किसी से नहीं डरती हूँ, मैं शासन प्रशासन से किसी भी अधिकारी कर्मचारी से नहीं डरती, जिसको जो करना हो मेरा कर लेना। बात जिले से कुपोषण को जड़ से मिटाने की है, जिसके लिए सरकार प्रयास कर रही है, मगर जमीनी हकीकत तक नहीं पहुंच पा रही। मगर यह वाक्या सामने आने से पूरे सिस्टम पर सवालिया निशान लग गया है। यह सहायिका जो कह रही है वो गलत भी नहीं, अगर बच्चे ही नहीं है तो कुपोषण किसका दूर होगा। फिलहाल प्रशासन ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। महिला बाल विकास की कार्यकर्ता है, एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता चोपरा रैयतवारी कोई प्रमिला श्रीवास्तव, और उपाध्यक्ष महोदय जांच के लिए गई हुई थी, उन्होंने रजिस्टर मांगे और बच्चों के संबंध में भी पूछताछ की, तो उन्होंने सूचित किया अपने उस आवेदन में कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा उनसे अभद्रता की गई है। तत्संबंध में CDPO को निर्देशित किया गया है कि जांच कर प्रतिवेदन दें। सिंगरौली में अपनी मांगों को लेकर सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी एवं सहायिका संघ सिंगरौली कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि खाद्य शाखा द्वारा NFSA लाभार्थी परिवार सत्यापन का कार्य दिया गया है, जिसे करने में आंगनबाड़ियों में कई समस्याएं आ रही हैं। कुछ लोगों के नाम लिस्ट से कट रहे हैं, जिससे आम लोगों में हमारे प्रति आक्रोश और नाराजगी है, और ऐसे में हम खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, कभी भी हमारे साथ कोई घटना हो सकती है। कलेक्टर से मांग की है कि उन्हें इस कार्य से तत्काल प्रभाव से मुक्त करें, उन्हें और कोई कार्य दे दें। बाड़ी कार्यकर्ता को सभी लोगों को राष्ट्रीय खाद्य निगम की पर्ची का सत्यापन करने के लिए ड्यूटी लगाया गया है, तो उस ड्यूटी में हम लोग सही सही अगर काम करेंगे तो कुछ ऐसे लोगों का भी नाम जोड़ा गया है जो इसके पात्र नहीं हैं, और अगर हम सही काम करेंगे तो उसमें ये कहा गया है कि जो पात्र नहीं उनको आप अपात्र कीजिए, उनको काटिए नाम, तो अगर हम उनका नाम काटते हैं तो उससे जन आक्रोश फैलेगा और उससे हमें हानि हो सकता है, उससे जो रिलेटेड जिनका नाम हटाया जाएगा जो हितग्राही हैं तो वो हम लोग पे कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी अटैक कर सकते हैं, बोल सकते हैं, झगड़ा कर सकते हैं, हमें हानि पहुंचा सकते हैं। हमारी यही मांगे हैं कि अगर से वंचित किया हम लोगों को इस कार से मुक्त किया जाए, हम ये काम नहीं करना चाहते हैं, हमारे पास पहले से ही बहुत सारा काम है हमारे अपने विभाग का। कार्यकर्ता संघ के अध्यक्ष ने कहा कि हम लोगों को फिंगर के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया गया है, जबकि हम लोगों की तनख्वाह नाम मात्र की है, हम लोगों का PF भी नहीं कटता, हम लोगों को सामान्य मजदूरों से भी गया गुजरा समझा जाता है, जबकि हम लोगों से स्थायी कर्मचारियों जैसे कई तरह के सरकारी कार्य करवाए जाते हैं, सर्वे से लेकर जितने भी कार्य दूसरे विभागों के हैं उनको भी हम लोगों से करवाया जाता है। पिछली सरकार के समय 11,500 रुपए तनख्वाह मिलती थी, इस सरकार में तनख्वाह बढ़ने के बजाय 1,500 रुपए कम कर दी गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के ट्विटर पर अपना स्टेटस बदलने के बाद कांग्रेस की राजनीति गरमाई हुई है। इसको लेकर अब कांग्रेस में पिछले एक अरसे से सिंधिया की अनदेखी से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसा लगता है कांग्रेस में जानबूझकर सिंधिया के साथ ठीक व्यवहार नहीं किया जा रहा, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का करिश्माई व्यक्तित्व ऐसा है कि उन्हें कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के दूसरे गुट उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष तो छोड़ मध्यप्रदेश कांग्रेस तक का अध्यक्ष बनने देना नहीं चाहते। एक साल पहले तक कांग्रेस में चर्चा थी कि अगर कांग्रेस MP में सत्ता में आई तो ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उसके बाद में उनको MP में कम तवज्जो दी जाने लगी। सिंधिया लोकसभा का चुनाव भी हार गए, अब फिर सिंधिया समर्थक उनको लेकर लामबंद हो रहे हैं। पोहरी के विधायक सुरेश राठखेड़ी का कहना है कि वैसे तो सिंधिया पार्टी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अगर छोड़ते हैं तो उनके साथ जाने वाला पहला व्यक्ति मैं हूँगा।
पहली बात तो यह है कि सरमंत महाराज साहब पार्टी, मेरे को नहीं लगता महाराज पार्टी छोड़ रहा है। क्यों कि महाराज दूसरी पार्टी में जाने का तो सपना आप सब लोग छोड़ दें कि दूसरी पार्टी में जाए। ये महाराज वो शक्ति है जिस दिन जो चाहेंगे उस दिन अपनी पार्टी खड़ी कर सकते हैं मध्य प्रदेश में, और वजूब है उनका उनके अंदर, और बता देंगे कि मेरा क्या जलवाब। सरमंत महाराज साहब यदि पार्टी बनाते हैं तो सबसे पहले यही बंदा मिलेगा वो सरमंत महाराज साहब के संग, जहाँ महाराज रहेंगे हाँ मैं रहूँगा। ये बयानबाजी ज्योतिरादित्य सिंधिया के ट्विटर प्रोफाइल से कांग्रेस हटाने के बाद से शुरू हुई है। विधायक सुरेश राठखेड़ी ने कहा कि महाराज अपनी खुद की पार्टी शुरू कर सकते हैं, ऐसी मध्य प्रदेश में उनकी ताकत है। उन्होंने साफ कहा कि और अगर श्रीमंत महाराज साहब ऐसा करते हैं तो मैं उनका अनुसरण करने वाला पहला व्यक्ति बनूंगा। गौरतलब है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछले काफी समय से पार्टी के नाराज चल रहे हैं, काफी समय से वे पार्टी की कार्यशैली से खुश नहीं है। राज्य में कांग्रेस की सरकार होने के बाद भी उन्हें और उनके समर्थकों को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। कई बार सिंधिया अपनी नाराजगी भी जाहिर कर चुके हैं। इतना ही नहीं, कई बार समस्याओं को लेकर उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ को पत्र भी लिखा है, जिसमें से अभी तक कोई समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीता शरण शर्मा ने महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे पर कहा कि जिस दिन उन्होंने शपथ ली थी उस दिन गवर्नर को संतोष हो गया था, अजीत पवार ने समर्थन पत्र दिया था, उसके आधार पर बहुमत बीजेपी और एनसीपी को था, लेकिन इसके बाद घटनाक्रम बदला और अजीत पवार को हटाकर जयंत पाटिल को एनसीपी का नेता बना दिया गया। स्वाभाविक था, जब विहिप भी इशू होता तो जयंत पाटिल के पत्र से ही होता। ऐसी स्थिति में संख्या बल शायद नहीं हो पाता, इसीलिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र की भावनाओं का सम्मान करते हुए त्याग पत्र दे दिया। अजीत पवार जी जो लीडर ऑफ एनसीपी लेजिस्लेटर पार्टी थे, उन्होंने एक समर्थन का पत्र दिया था, उसके आधार पर बहुमत बीजेपी का और एनसीपी का कोएलिशन का था, और इसलिए उनको शपथ दिलाई गई। किंतु उसके बाद में घटनाक्रम बदला और अजीत पवार जी को हटा करके जयंत पाटिल को एनसीपी का लेजिस्लेटर पार्टी का नेता बना दिया गया। स्वाभाविक था कि जब विप भी इशू होता तो उन्हीं के पत्र से होता है, जयंत पाटिल जी के से। तो ऐसी स्थिति में संख्या बल शायद नहीं हो पाया होगा, और इसीलिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने, देवेंद्र फडणवीस जी ने लोकतंत्र की भावना का सम्मान करते हुए त्यागपत्र दे दिया। डॉक्टर सीता शरण शर्मा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि अभी कोई निश्चित जानकारी नहीं है, यदि वो आते हैं तो उनका स्वागत है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को वो सम्मान कांग्रेस में नहीं मिला जिसके वो हकदार हैं। वास्तव में उनकी आम जनता में पहुंच है, पकड़ है। शर्मा ने कहा यदि सिंधिया बीजेपी में आते हैं तो उनका स्वागत है। उन्होंने कहा कि यदि सिंधिया कांग्रेस छोड़ देते हैं तो कांग्रेस सरकार एक दिन भी नहीं चलेगी। अभी कोई निश्चित जानकारी नहीं है, क्योंकि यदि वो आते हैं तो उनका स्वागत है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को वो सम्मान कांग्रेस में नहीं मिला जिसके वो हकदार थे, जिसके वो हकदार हैं। वास्तव में वो उनकी आम जनता में पहुंच है, पकड़ है, किंतु कांग्रेस पार्टी ने, जो कि कभी भी किसी कद्दावर नेता को सम्मान नहीं देती। टीकमगढ़ जिले के मोहनगढ़ तहसील में गोर ग्राम से छात्रावास में बच्चियों के साथ मारपीट की खबर सामने आई है। कन्या छात्रावास में अतिथि शिक्षक के पद पर पदस्थ मोना सोनी नाम की शिक्षिका ने मासूम बच्चियों को बेरहमी से पीटा है। इतना ही नहीं, उनसे 200 उठक बैठक लगवाई गई है। इस सजा से कई छात्राओं की हालत खराब हो गई, जिन्हें टीकमगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इन बच्चियों की गलती सिर्फ इतनी थी कि वे एक डेफिनेशन याद नहीं कर पा रही थी। जब इस संबंध में छात्रावास के अधीक्षिका उपासना दुबे से बात की तो उन्होंने बताया कि छात्राओं ने मैडम के द्वारा मारपीट की शिकायत की थी, जिसके बाद तुरंत उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। आपको बता दें कि गौर का कन्या छात्रावास हमेशा से विवादास्पद रहा है। यहाँ की अधीक्षिका लगभग 17-18 सालों से अपने रसूख के बल पर पदस्थ हैं। फिलहाल इस मामले में अपना बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है और जिसने गलती की उसको स्कूल से निकाल दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि बच्चे अगर याद नहीं कर पा रहे हैं तो क्या इसमें सिर्फ बच्चों की गलती है? क्या पढ़ाने वाली टीचर की कोई गलती नहीं? अगर वे सही ढंग से पढ़ा रही होती तो
तो बच्चे भी पढ़ पाते। ऐसे में सिर्फ बच्चों को ही सजा क्यों, और इतनी बड़ी सजा कि उन्हें अस्पताल लाना पड़ा। क्या बच्चियों के जख्म टीचर को नौकरी से निकाल कर भर जाएंगे? लाठी से मारा था, बांस की गांठें भी आदि बहुत सारी। क्या बोल रही थी? कह रही थी कि हम पंखा पे टांग देंगे, कल अच्छे से ही बताएंगे। अभी तो थोड़ी सी सजा मिली, अब कर वो कल हो जाना मिलेगी। कोचिंग में दीदी ने मारा। कौन सी दीदी ने मारा? मोना। पूरा नाम पता है आपको? मोना सोनी। किस बात को लेकर के मारा? कितनी बच्चियाँ हैं आप लोग? आठ। कौन सा छात्रावास है? गोल में पढ़ते हैं आप? डेप्लीकेशन नहीं याद करके नहीं बता, याद तो कर रही थी लेकिन एक अक्षर भूल गई थी तो फिर उसने मारा था। किसने मारा है? मोना सोनी। बच्चों ने शिकायत, जैसे हमें पता चला तो नौराज ने हटा भी दिया, आई नहीं थी वो स्कूल में के सामने, तो हमने बोल दिया बात से मैं बच्चों ने बताया होगा किस बात को लेकर उन्होंने मार दी। ये बताया कि कोई डेफिनेशन लिखवाई थी उन्होंने, तो डेफिनेशन ये लोग पूरी सही नहीं बता पाए, और उनका कहना है कि हम 1.5 महीने से लगातार पढ़ा रहे हैं, वो भी आई थी स्कूल में हमारे पास। हमने उन्हें बोला भी कि मैडम इस तरह से कोई मारता, तो उन्होंने यही बोला कि मैडम 1.5 महीने से पढ़ा रहे और बच्चे बिल्कुल नहीं बोल पा रहे। तहसील में दो दो SDM होने से काम प्रभावित हो रहा है, लोग परेशान हैं। अधिवक्ता संघ ने प्रदर्शन करते हुए तहसील में तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष का आरोप है कि छतरपुर तहसील में दो SDM के तिवारी और अनिल सपकाले हैं। कलेक्टर ने के तिवारी को SDM पद पर नियुक्त किया है, तो SDM अनिल सपकाले हाईकोर्ट से ट्रांसफर का स्टे ले आए हैं, लेकिन दो SDM का मामला होने से तहसील में काम प्रभावित हो रहा है। वहीं तहसीलदार का पद है और नायब तहसीलदार पद संभाल रहे हैं, ऐसे में पक्षकार परेशान हो रहे हैं। 15 दिन से लोगों का कोई कार्य नहीं हो रहा है, इसी मसले को लेकर कलेक्टर को उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। दो SDM मौजूद हैं, सपकाले साहब कह रहे हैं मैं SDM हूँ, के पाठक साहब कह रहे हैं मैं SDM हूँ। पक्षकार परेशान है, अधिवक्ता परेशान है, कोई काम हो नहीं रहा है। जितना यहाँ पे तृतीय और चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी का स्टाफ है वो नदारद है, दोनों के भय के कारण से। ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है, प्रशासन को इस ओर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए, कलेक्टर महोदय को ध्यान देना चाहिए। अभी सारे अधिवक्ता साथियों के साथ मैं कलेक्ट्रेट जा रहा हूं और कलेक्टर साहब से ये निवेदन कर रहा हूं कि आज ही इसका निराकरण होना चाहिए। तहसील में 15 दिन से आज समस्याएं व्याप्त हैं, पेशियां बढ़ नहीं रहे हैं, पक्षकार परेशान रहे, बहुत जरूरी काम रुके पड़े हैं, जिस कारण से हम लोगों ने ये शासन का ध्यान आकर्षित कराने के लिए यहाँ पे ये हम लोगों ने बंद किया है। जनसंपर्क मंत्री PC शर्मा ने कहा कि प्याज की बढ़ रही कीमतों को कैसे घटाया जाए, इस पर विचार चल रहा है। PC शर्मा ने कहा कि जो भी व्यापारी प्याज की होर्डिंग कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। सोनिया गांधी के कांग्रेस शासित CM को पत्र लिखकर गर्भवती महिला को 6,000 देने की मांग पर PC शर्मा ने कहा कि मैं इसका स्वागत करता हूँ, इस पर विचार किया जाएगा। शर्मा ने केंद्र पर भी आरोप लगाया और कहा कि केंद्र सिर्फ उन्हीं वस्तुओं का इम्पोर्ट कर रही है जिसमें उनका फायदा होता है। कांग्रेस प्रदेश के सांसदों को सीटी बजाकर जगाएगी और कहेगी कि केंद्र से राहत राशि लेकर आए, अब तक केंद्र सरकार ने पूरी राहत राशि नहीं दी है। तो जो ब्याज का रेट है उसके हिसाब से वो है, प्रशासन इस बात के लिए पूरी कोशिश कर रहा है कि ब्याज के भाव गिरे, कम भाव में मिले, क्योंकि ये बहुत ही एक ऐसा द्रव्य खाने के लिए कि हर एक घर में, लगभग हर एक घर में इसका इस्तेमाल होता है, और निश्चित तौर पर और कैसे कम हो। 70 रुपये बेच के प्रशासन एक दबाव क्रिएट कर रहा है, उसके बाद ये और कमाएगा, क्योंकि जब 50 रुपये बेच जाता तो और कम आ गया था। और जो होर्डिंग कर रहे हैं जो व्यापारी, इसका उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, क्योंकि निश्चित तौर पर बहुत जल्दी भाव कमाएगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।